प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े थे कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट्स। आज के वीडियो में हम एक दो प्रोग्राम बना के देखेंगे किसके जो किस पे बेस्ड होंगे कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट में। एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें सिंपल इफ एल्स होगा और एक प्रोग्राम हम चेक करेंगे जिसमें हमारी नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स होगा। यानी कि एक सिंपल कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाएंगे, एक नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहला प्रोग्राम हम जो आप बनाने जा रहे हैं वह है प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो ये प्रोग्राम हम पहले ही बना चुके हैं इफ एल्स के हेल्प से। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम ईयर को इनपुट कराएंगे। तो हमने इंट वाई डिक्लेयर करा, यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंटर ईयर, ठीक है। किससे इनपुट होगा, स्कैनर से। एफ परसेंट एल डी कॉमा एम परसेंट वाई, ठीक है। अब कंडीशन चेक करी थी हमने लीप ईयर के लिए, क्या कंडीशन थी, एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर बट एवरी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर और एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। तो ये कंडीशन लगा दें यहाँ पे। कंडीशन क्या है, y mod 4 इक्वल टू जीरो एंड y mod 100 नॉट इक्वल टू जीरो। या तो हमने क्या बोला था, या तो ये कंडीशन ट्रू हो तो लीप ईयर होता है, उसको एक ब्रैकेट पर रख दिया, या क्या था y mod 400 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थी लीप ईयर की। तो हमने क्या कहा, अगर ये ट्रू है तो क्या करना है, उसको हमें बताना है कि वो लीप ईयर है। तो आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट दिया, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज लीप ईयर, परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, वाई की, ठीक है। कॉलन, अगर ये फॉल्स है तो हमें क्या करना है, नॉट अ लीप ईयर, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज नॉट अ लीप ईयर, परसेंटेज डी किसकी वैल्यू है, वो है कि लास्ट पे लगा दिया सेमी कॉलन, ठीक है। रन करा के देखते हैं, एंटर ईयर 1996, क्या गया 1996 इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। तो यह हमने किससे बनाया, सिंपल कंडीशनल ऑपरेटर, एक ही है, इसमें कहीं भी कोई नेस्टिंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रोग्राम हम बना के देखते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर, टू फाइंड largest of three numbers, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा प्रोग्राम में, चेंज तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वेरिएबल लिए। तो यहाँ तीनों वेरिएबल की वैल्यू इनपुट करानी पड़ेगी, एंटर ए बी एंड सी, किससे इनपुट होगी, स्कैनर से। तो तीन वैल्यू, तो तीन बार परसेंटेज डी आ जाएगा क्योंकि तीनों इंटीजर वैल्यू है, एम परसेंट ए कॉमा एम परसेंट बी कॉमा एम परसेंट सी, ठीक है। अब याद करें कंडीशन क्या थी हमारी, पहले हम ए और बी को आपस में कंपेयर कर रहे थे। तो आपने क्या करा, ए ग्रेटर देन बी, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। ट्रू है तो हमें ये काम करना है, फॉल्स है तो हमें ये काम करना है, यहाँ क्या लगा दिया सेमी कॉलन। अब आए ट्रू में, ट्रू का मतलब ए बड़ा है, तो अब किसको कंपेयर करना है, ए को सी से। तो आपने ए इक्वल टू ग्रेटर देन सी,
तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज लार्जेस्ट कॉमा ए। बहुत लेंथी सा बन जाएगा। अगर मैं सबके लिए प्रिंट एफ लगाऊंगा तो ये लाइन मेरी बहुत लेंथी सी बन जाएगी। तो इसको कम करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल लिया एल, इसमें स्टोर करा दूंगा रिजल्ट, जो भी लार्जेस्ट होगा उसको उसमें स्टोर करा दूंगा। मैंने क्या कहा, ए ग्रेटर देन सी, तो क्या कर दिया, लार्जेस्ट कौन है, ए, तो लिख दिया एल इक्वल टू ए। अदरवाइज अगर ये फॉल्स है तो लार्जेस्ट कौन है, सी। सिमिलर केस जब ए ग्रेटर देन बी फॉल्स था तो हमने क्या बोला, बी बड़ा है, तो हमने क्या करा, बी को कंपेयर कराया सी के साथ। अगर ये लार्जेस्ट है तो हमारा लार्जेस्ट कौन सा होगा, बी, ठीक है। अदरवाइज लार्जेस्ट कौन सा होगा, सी, ठीक। तो जब ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी तो हमारे को लार्जेस्ट मिलेगा या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा या सी मिलेगा। जो भी मिलेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, एल में। तो इसका मतलब, इसके बाद आप प्रिंट करा दें, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू किस में पड़ी है, एल में। तो उसको रन करा के देखते हैं, तीन वैल्यू इनपुट कराई, 3, 4, 5, तो क्या आ गया, 5 इज लार्जेस्ट, ठीक। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। थैंक यू।